तहसीन पूनावाला जी बताइए, क्या राहुल गांधी ने कसम खाई है कि कोई भी चुनाव ढंग से नहीं लड़ेगी कांग्रेस? उसके पहले मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, एमआईएम सेक्युलर पार्टी है, एमआईएम एक कम्युनल पार्टी है। सर कितने साल अलायंस था कांग्रेस के साथ? सर कांग्रेस के साथ कितने साल अलायंस था आपका एमआईएम से? मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों बनाई थी बताइए ना, हाल ही की राजनीति की बात कर रहा हूँ, कोई 1947 से पहले की बात मत बोलिएगा। जी मैं उसके पहले की बात नहीं कर रहा, उसके पहले तो हिंदू महासभा के साथ थी, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हाल ही की बात करना चाहता हूँ, संक्षेप में बात करूंगा। जब ओवैसी साहब ने हिंदू देवी देवता, सर मुझे ये तो बता दीजिए ना, क्या राहुल गांधी ने किसी मंदिर में जाके कसम खाई है कि 2019 से 2024 तक मैं कांग्रेस पार्टी को कोई भी चुनाव ढंग से नहीं लड़ने दूंगा? सर आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देता हूँ, दूसरे पे चले जाते। आप जवाब दे ही नहीं रहे ना, मुझे पता है राहुल गांधी जी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सर आपकी फैमिली के मुझे पता है, लेकिन आपको जवाब तो देना होगा ना, आज देश ये सवाल पूछ रहा है। लेकिन आप बिल्कुल दुखा था, लेकिन आपने एक आरोप लगाया उसका भी जवाब दूंगा। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया सर। आपने आरोप लगाया, मैंने तो सिंपल सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने ये डिसाइड कर लिया है कि 2019 से 2024 तक किसी अपनी पार्टी को कोई भी चुनाव ढंग से नहीं लड़ने दूंगा? मुझे उस सवाल का जवाब देना है, उसके पहले आपने एक आरोप लगाया उसका जवाब मुझे देने का इजाजत दी, छोटे में जवाब दूंगा दोनों सवाल के। आपने आरोप लगाया कि ये अलायंस में थे या नहीं, मैम मैं उसका जवाब आपको दे दूं, बिल्कुल अलायंस में थे, और अलायंस में होने के बावजूद उन्होंने जो अपमानित किया हिंदू देवी देवताओं को, मनमोहन सिंह जी की 56 इंच की छाती थी, उनको जेल में डाला। उसके बाद ओवैसी जी का हाल का बयान है कि जहां जिन सूबों में कांग्रेस का सर की सरकार है, हुकूमत है, उनको उनको कैंपेनिंग करने का अधिकार नहीं मिलता, लेकिन आए दिन वो बीजेपी के सूबों में जाते हिंदू मुसलमान का बंटवारा करते, ओवैसी बीजेपी की बी टीम में। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं, राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे कई चुनाव जीता है उन्होंने कांग्रेस को, मसलन मध्य प्रदेश, मसलन अरुणाचल, मसलन गोवा, किस तरह से हुकूमतें बदली गई ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, फर्क सिर्फ इतना है अमित शाह करे उसे चाणक्य नीति कहते, कोई और करे तो आप कहते कि उसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ठीक है, आपने मान लिया कि राहुल गांधी जी, मैं मतलब अब ठीक है, मैं तो 2019 के बाद की बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 2019 के बाद उन्होंने क्या कसम खाई है कि मैं कांग्रेस को कोई भी चुनाव ढंग से नहीं लड़ने दूंगा, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा।